वहीं इनके अलावा महंत बाबा बालकनाथ योगी, इनके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, और यहाँ पर देखा गया है कि किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा भी चर्चा का विषय बने रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में। जिस तरह से तीनों ही राज्यों में देखा गया कि डॉक्टर रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, राज्यों में से तीन राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये पांचों ही राज्य रहे। जब नवंबर के महीने में इन पांचों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुए और 3 दिसंबर को इनके नतीजे सामने आए, देखा गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में बाजी मारने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज बीजेपी हाईकमान के सामने अहम रणनीतियां हैं, यहाँ पर अहम चुनौतियां हैं कि आखिरकार वह अपने पुराने दिग्गज नेताओं को क्या कुछ अलग अलग जिम्मेदारी सौंपेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारी इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में। जिस तरह से तीनों ही राज्यों में देखा गया कि डॉक्टर रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, सीएम की रेस में देखा गया कि डॉक्टर रमन सिंह के अलावा यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह रही, वहीं दिग्गज नेता ओपी चौधरी रहे और अरुण साहब भी, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया यहाँ पर एक आदिवासी चेहरे को जो आगे किया गया वो रहे विष्णुदेव सहाय। बात यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की कर ली जाए तो नए मुख्यमंत्री बनाए गए मोहन यादव, यहाँ पर ओबीसी कार्ड खेला बीजेपी ने और शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेता कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए। ऐसे में यहाँ पर अगर बात कर ली जाए राजस्थान के बारे में तो राजस्थान में सीएम की रेस का हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा जो यहाँ पर एक और महारानी है दिया कुमारी, वहीं इनके अलावा महंत बाबा बालकनाथ योगी, इनके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, और यहाँ पर देखा गया है कि किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा भी चर्चा का विषय बने रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया भजन लाल शर्मा को। ऐसे में तमाम सवाल ये उठते हुए नजर आए हैं कि जो सीएम की रेस का हिस्सा रहे, जो पहले मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं, उन्हें क्या कुछ मिलेगा, जैसे कि डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, आखिरकार इनका राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा। तो इसको लेकर हाल ही में सवाल पूछे गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से, उनसे पूछा गया क्या इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को बैठने के लिए कहा है। वह कहते हैं कि बैठने के लिए नहीं, हमने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि 15 से 16 साल का इनका अनुभव है तो इनके कद के अनुसार इन्हें काम दिया जाएगा, आगे चल के भी इनसे काम कराया जाएगा। और देखा जाए तो कयास तो ये भी तेज हो चुके हैं कि बीजेपी हाईकमान कहीं ना कहीं इन सभी दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपती हुई नजर आएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन्हें कोई बड़ा कद दिया जा सकता है, एक बड़ा पद सौंपा जा सकता है। जैसे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं कृषि मंत्रालय सौंपा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वह इस मंत्रालय को संभाल रहे थे, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान इस मंत्रालय को संभालते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन रुक कर लिया जाए यहां पर इतिहास पर, आखिरकार इतिहास में क्या कुछ देखने को मिला है और किस तरीके से इन दिग्गज नेताओं को बाकी के अहम पद भी मिलते हुए नजर आए हैं, तो आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ नजारा देखने को मिला। दरअसल बात यहाँ पर राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो या फिर छत्तीसगढ़ की हो, तो सभी जगह पर देखा गया है कि डॉक्टर रमन सिंह जिन्हें यहाँ पर विधानसभा स्पीकर का पद दिया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को लेकर अभी भी इनके पद को लेकर चर्चाएं तेज हैं। तो ऐसे में इन्हें सरकार या केंद्रीय राजनीति में बड़ा अहम भूमिका में देखा जा सकता है, जो अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि 2018 के चुनाव में बीजेपी को इन तीनों राज्यों में शिकस्त के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था। शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कह चुके हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ऐसे में क्या अब बीजेपी सूबे की किसी सीट से 2024 की लोकसभा चुनाव में शिवराज को उतारेगी या फिर पार्टी प्रदेश राष्ट्रीय संगठन में कोई ओहदा देकर उन्हें एडजस्ट करेगी, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन बात यहां पर कर ली जाए पुराने दिग्गज नेताओं की तरफ से, सबसे पहले बात यहां पर की जाए भगत सिंह कोश्यारी के बारे में।
बारे में। उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। 2002 के उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की हार के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। भगत सिंह कोश्यारी सीएम पद से हटने के बाद 2007 से 2009 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य। 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से सांसद भी रहे और 2019 में चुनाव में बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वह सियासत से दूर है। बात यहां पर अगर कर ली जाए दिग्गज नेता रमेश पोखरियाल के बारे में, जो यहां पर निशंक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद केंद्र की सियासत में सक्रिय रहे और केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। फिलहाल ये सांसद हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और उत्तराखंड चुनाव से तकरीबन एक साल पहले बीजेपी ने सूबे में सीएम बदल दिया और इसके बाद ये संगठन में सक्रिय हुए। बात यहां पर कर ली जाए नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था और बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। गुजरात में सरकार की कमान आनंदीबेन पटेल को सौंपी गई और आनंदीबेन पटेल थोड़े ही समय इस पद पर रही और अभी उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल हैं। तो इस तरह से देखा जाए इन तमाम दिग्गज नेताओं के नाम सामने आते हैं और इसी लिस्ट में नाम शामिल है दिग्गज महिला नेत्री उमा भारती का भी। 2003 में विधानसभा चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा गया था मध्य प्रदेश में। जीत के बाद ये मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 8 महीने के बाद उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद यूपी से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गई और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री रही हैं, लेकिन अभी उमा भारती पार्टी में किसी खास पोजीशन पर नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए इन तमाम दिग्गज नेताओं के नाम खुलकर यहां पर सामने आए हैं। अब यहां पर यही देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया को राज्यपाल का पद अगर दिया जाएगा तो क्या वह किसी राज्य की राज्यपाल बनना यहां पर स्वीकार करेंगी, या फिर यहां पर शिवराज सिंह चौहान को यह पद दिया जाता है तो क्या वह स्वीकार करेंगे, या फिर मोदी कैबिनेट का यह हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट के छोटे मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द होगा। तो देखना होगा लोकसभा चुनाव के लिए इन्हें आगे किया जाएगा या फिर यहां पर इन्हें कोई अहम पद मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।